साढ़े चार बजे यहाँ निकलना है, यहाँ से आगे ही 10 मिनट ऊपर हो गए,
बधाई देता हूँ। और जहाँ पे पुंच के जितने भी जनमानस हैं, बहने माताएं जो अपना समय निकाल के इन नवरात्रों के दिनों में जहाँ सभा में आकर इस कार्यक्रम में हिस्सा लेकर इसको कामयाब बनाया है, उनको भी मैं अपनी जितने गहराइयों से मुबारकबाद देते हुए धन्यवाद करता हूँ। सभी ने बता दिया है कि धर्म का क्या काम है और हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और एक ऐसा एक समाज जो है वो बनाने की दिशा जो है वो पढ़ना चाहिए, और उसकी जो हमारे सामने कल्पना है और जो उसका हमारे सामने उदाहरण है वो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी ने जो रखा हुआ है, तो हमें उस पर ज़्यादा जो है वो बात करने की ज़रूरत नहीं है, उस पर काम करने की और उसके हिसाब से चलने की ज़रूरत है। तो मैं सभी को एक बार पुनः इस नवरात्रि की बधाइयाँ देते हुए ये कामना करता हूँ कि सभी खुशहाल रहें और जो बताया गया मार्ग है उस पर चलने की कोशिश करते रहें। धन्यवाद। एक्सेल साहब, बधाई देता हूँ और मैं ये कहूँगा कि भगवान राम के बताए हुए जो रास्ता है हम सबको उस पर चलना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए, वैसा ही आचरण रखना चाहिए, वैसा ही उनके जो उनका राज्य है, मैं सोचता हूँ कि भगवान राम के उस सपने को हमें पूर्ण करना चाहिए। और मैं सोचता हूँ कि भगवान राम जो है उनका बहुत बड़ा मंदिर भी निर्माण हो रहा है भारत में जो अयोध्या जी में है, और साथ कार में जितने भी लोग हैं, क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं भगवान राम, उनके आज जन्मदिन पर मैं सबको दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ। धन्यवाद।